तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी, और आप एक बार ज़रूर इस तरह बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कुरकुरी बनती है। आप इसे महीनों तक स्टोर करके रखेंगे फिर भी ये सॉफ्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, आलू पानी और पानी पूरी बनाए हैं, और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है। जबकि हम बनाने के दूसरे दिन बाद का ये दिखा रहे हैं। डब्बा में इतने अच्छे से रख देंगे, ये सॉफ्ट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, हम ले लिए हैं 2 कटोरी सूजी, और उसमें डालेंगे 1/2 कटोरी आटा। तो गेहूं का आटा और सूजी से बना रहे हैं हम। इसमें हम ना रिफाइन यूज करेंगे और ना मैदा यूज करेंगे, तो बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रिस्पी और कुरकुरा रहता है ज़्यादा टाइम तक, महीना दिन तक आप इसे रख सकते हैं। तो इसे देखिए, अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसल कर इसे नॉर्मल सॉफ्ट डो लगा लेंगे। रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का आटा होना चाहिए। और इसे हम कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ आटा और सूजी डाले हैं इसमें। और अभी हल्का सा हाथों में तेल लगाकर थोड़ा सा और मसलेंगे इसे लास्ट में। यहाँ पर देखिए, थोड़ा देर तक इसे हम मसल लिए हैं, 2 से 3 मिनट। और उसे अब डायरेक्ट रेस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसे हम बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ। तो यहाँ पर देखिए, हाथों से इस तरह हम लंबा कर लेंगे, और इस तरह लंबा करने के बाद छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे हम। जितना बड़ा पानी पूरी रहता है ना, उतना ही बड़ा शेप से हम अंदाज से छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह काट लेंगे, देख सकते हैं। तो सारी लोइयाँ को हम इस तरह चपटा कर लिए हैं गोल करके, ताकि बेलने में आसानी होगा। और इसके ऊपर हम गेहूं का आटा छिड़क कर इस तरह मिक्स कर लेंगे, नहीं तो लोइयाँ एक के ऊपर एक चिपकने लगती है। तो देख सकते हैं आप, अगर ऐसे नहीं डालिएगा तो चिपक जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो आटा, थोड़ा सा सूखा आटा गेहूं का छिड़क कर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह बेल लेंगे छोटे छोटे। देखिए, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। इस तरह हम बेल कर अलग अलग रखेंगे। तो कोई भी इस तरह का जैसे होता है ना बर्तन, उसमें रखिएगा। ये सूप है, अगर इस तरह का नहीं हो तो कपड़ा बिछा कर रखिएगा, डायरेक्ट स्टील के बर्तन में नहीं रखिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। और इसमें नहीं चिपकता है, बांस वाला जो होता है उसमें नहीं चिपकेगा। और इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा से ढक देंगे हम, साफ कॉटन का कपड़ा। और उसके ऊपर भी बेल कर देखिए, इस तरह रख लिए हैं। जब सारा बेल लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर सरसों का तेल डाले हैं हम कढ़ाई में। ये सरसों का तेल है, और तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, पूरा धुआं निकलते रहना चाहिए, तब इसमें डालिएगा एक एक करके पानी पूरी। और इस तरह देखिए, अपने आप फूलने लगता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बेल कर रखे हैं, नीचे वाला साइड नीचे की तरह डालिएगा और ऊपर वाला साइड ऊपर। और इस तरह थोड़ा सा कलछी से इस तरह हल्का सा दबाइएगा, अपने आप फूलने लगता है। और इसे फूल जाने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम कर लेंगे, और इसे कुरकुरा होने देंगे, कलर अच्छा आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये आटे और सूजी का है। तो इस तरह उलट पुलट कर देखिए, जितना भी हम डाल रहे हैं सारा फूलते जा रहा है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एकदम अच्छी तरह से देखिए फूल गया है। और जब फूल गया है, इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि ये क्रिस्पी और कुरकुरा हो जाएगा। और इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरह बनाइएगा तो पानी पूरी कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा, और महीना दिन तक आप इसे आराम से इसे रख के डब्बा में बंद करके खा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो फिर से इन सबको निकालने के बाद एक बार और आपको दिखा रहे हैं डालकर।
यहाँ पर कोई भी वीडियो को हम स्किप नहीं किए हैं, आगे बढ़ाए भी नहीं हैं, एकदम आराम से दिखा रहे हैं। आप इस तरह ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और निकालने के बाद गैस को तेज कर देंगे, उसके बाद डालेंगे पानी पूरी। तो देखिए ये जो पूड़ियाँ हैं, अभी गैस का फ्लेम तेज कर दिए हैं, उसके बाद हम एक एक करके उस तरह डाल रहे हैं। तो देखिए सारा फूल गया है और एकदम अच्छे से फूल जाता है। और कोई रिफाइन और कोई मैदा का यूज नहीं है इसमें। तो देखिए एक एक करके हम इस तरह डालते जा रहे हैं और सारा फूल गया है। और पलटते जाएंगे जो पहले से डाला हुआ है उसको, जो लाल हो गया है उसे निकालते जाएंगे। और इस तरह बस थोड़ा सा कलछी से दबाएंगे और एकदम देखिए फूलते जा रहा है। तो इस तरह आप पानी पूरी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और आटे में कुछ नहीं डाले हैं। तो देखिए सारा पानी पूरी हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एकदम अच्छा कलर आ गया है, तब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना फ्राई हो चुका है और एकदम फुला फुला है और एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा है। और यहाँ देखिए चटपटा आलू और पानी भी हम बना लिए हैं। इसका वीडियो कल आएगा, एक साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो देखिए यहाँ पर तोड़ कर दिखा रहे हैं कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है। तो ट्राई ज़रूर